बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हम लोग चैप्टर वन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर एक्सप्रेस करें फॉलोइंग क्वांटिटीज को यूजिंग प्रीफिक्सेस। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 5000 ग्राम है, तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि क्या हम 5000 को लिख सकते हैं 5 × 1000 जी बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1000 क्या होता है, ये 10³ होता है, और हमने प्रीफिक्सेस में 10³ का क्या नाम पढ़ा था जी बेटा, किलो नाम पढ़ा था, तो बेटा इसका आंसर 5 किलोग्राम है। अब बेटा पार्ट टू देख ले जरा, पार्ट टू में क्या कह रहा है बेटा आपको, टू के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस दिए हुए, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बेटा वॉट में आपको वैल्यू दी हुई है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका कार ये है कि आप इसको ऐसा करें, बेटा इसे हम इस पर लिख सकते हैं 10⁶ वॉट। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 10⁶ का नाम क्या होता है बेटा, 10⁶ का नाम होता है मेगा। ठीक हो गई बात बेटा। अब थर्ड पार्ट देख लिया आप, थर्ड पार्ट में क्या बेटा, 52 और मल्टीप्लाई 10⁻¹⁰ किलोग्राम। इसको अच्छी तरह से देख ले बेटा। अच्छा, इस में ये रखना बेटा कि डबल प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं होते। तो सबसे पहले तो आप इस किलो को भी जो है सॉल्व करें। किलो आप जानते हैं 10⁻¹⁰ किसके ऊपर होगा, -10 किलो होता है 10⁻¹⁰ पॉजिटिव 3, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये -10 + 3 हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -7। ठीक है बेटा। तो अब उसके बाद आपने इसको प्रीफिक्स में लेकर आना है। करीबी प्रीफिक्स क्या है इसमें बेटा, -6 है। -6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10, ठीक है जी। तो अब जो +1 होगा वो इसमें कर लेंगे और डिवाइड यहाँ कर देंगे, -7 + 1। अब बेसिस सेम थे इसलिए पावर ऐड हो गई, इधर आपने डिवाइड किया 5.2 हो गया, 10⁻¹⁶ ग्राम। तो ये क्या हो गया 5.2। अब -6 का नाम क्या था बेटा, प्रीफिक्स के टेबल में आप देखेंगे इसको माइक्रो कहते हैं, इस तरह सिंबल होता है इसका। ठीक है बेटा जी। तो ये भी बेटा आपका सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट देख ले जरा, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपको, 2 × 5 × 10⁻¹⁸ सेकेंड। अच्छा बेटा, इसमें देख लें जरा कि इसमें आपको क्या करना है, नज़दीकी प्रीफिक्स देखें जरा। तो आप नज़दीकी प्रीफिक्स देखेंगे, एक -9 है और एक -6 है। अगर -9 आप बनाते हैं तो यहाँ 1 0 का इजाफा करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू तो मज़ीद बड़ी हो जाएगी, तो हमें तो छोटी वैल्यू लेनी होती है। इसलिए हम -6 की तरफ जाएंगे और -6 बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। 100 क्या होता है, 10⁻²² होता है। तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करने से 2.25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -6। ठीक है जी। अब -6 का बेटा अभी आपने नाम पढ़ा था, वो क्या होता है, माइक्रो होता है। ठीक है जी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, वो कहता है कि प्रीफिक्सेस और नैनो, माइक्रो और पीको, इनको रिलेट करें। 1.2, अब पहले तो देख लें 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10⁻¹⁶। पीको नैनो किसके इक्वल होता है, 10⁻¹⁹। और पीको किसके इक्वल होता है, 10⁻¹⁰। मैं एक करवा देता हूँ, एक आपने खुद रिलेट करना है। ठीक है, 1 पीको को ले लेते हैं और इसको रिलेट करवाते हैं। अच्छा देखिए, मैं -12 को -9 − 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इनका सम करने से -12 भी बनता है। अलग अलग कर ले जरा इसको। अब -9 का नियम क्या होता है, नैनो। इसका क्या मतलब हो गया, 1 पीको किसके इक्वल आ गया, 1 पीको इक्वल आ गया 10⁻¹⁰ इंटू नैनो। इस तरह से बेटा नैनो से माइक्रो सेम मेथड से आपने इसको सॉल्व करना, वो आपके असाइनमेंट है। अब आ जाए बेटा 1.3 के ऊपर। 1.3 में क्या है,
वो कह रहा है योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। तो ग्रोथ रेट क्या दिया हुआ है इसने, ग्रोथ रेट 1 mm पर डे, ठीक है जी। आपको ग्रोथ रेट चाहिए किसमें, नैनोमीटर पर सेकंड। तो पहले मिली से मीटर बना लेते हैं, मीटर से फिर नैनो बना लेते हैं, ठीक है। 1 मिली किसके इक्वल होता है 10^-3 मीटर की, ठीक है जी। तो अब अगर मैं एक नैनोमीटर की बात करूं, वो होता है 10^-9 मीटर। तो अब अगर मैंने इस मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस मीटर की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। मुझे क्या करना होगा, 10^-9 को इधर भी डिवाइड करवा देता हूँ, इधर भी करवा देता हूँ। फायदा क्या होगा, मेरे पास 1 मीटर की वैल्यू निकल आएगी जो कि ऊपर जाकर पॉजिटिव 9 बन जाती है, नीचे पावर माइनस में ऊपर जाकर प्लस में हो जाए। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 1 मीटर की वैल्यू आ गई, जो मैं अब ये वैल्यू इस जगह पर पुट करूंगा, इस मीटर की जगह, ठीक है जी। तो आप देख लेते हैं इस चीज को मजीद आगे। ठीक है, अब आपके पास क्या था, 1 मिलीमीटर था ऊपर, तो अब मिली की जगह तो आ गया था -3 और जो मीटर था उसकी जगह पे क्या आ गया थी, ये वाली बात। तो 10^-9 और मिलीमीटर सॉरी नैनोमीटर बन गया, ठीक है। नीचे अगर बात करें डे की, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये मैं यहाँ मैंशन कर देता हूँ, 24 आवर्स 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने लिखे डे के आर्स, हर आर के मिनट, हर मिनट के सेकंड, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, ऊपर से बेसिस सेम थे, पावर ऐड हो जाएंगी, नीचे क्या आ जाएगा 86400, आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10^+6 में आंसर आ जाएगा, नीचे 86400 आंसर आ जाएगा। अब ये नैनोमीटर नीचे सेकंड प्लस में था, ऊपर में जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब 6 का मतलब होता है जितना पावर होती है उतने ही जीरो होते हैं, 4, 5, 6 बेटा। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 11.57 न्यूटन नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। ये आपका ग्रोथ रेट निकल आया। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया था, मिली को प्रीफिक्स में लिखा, मीटर की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू पुट करने के लिए मैंने नैनोमीटर बताया कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10^-9 के इक्वल होता है। फिर मैंने 1 मीटर की वैल्यू निकाली थी तो मैंने 10^-9 में इधर भी डिवाइड करा दिया, इधर भी करा दिया, ये कैंसिल हो गया, 1 मीटर बन गया, -9 ऊपर जाकर +9 हो जाता है। तो अब एक जो उसकी वैल्यू है, यहाँ पर भी जरा इसको चेंज कर लेते हैं, तो 1 मीटर की वैल्यू 10^+9 नैनोमीटर आ गई। तो अब मैंने यही चीज़ जो है ना यहाँ पुट कर दी इस मीटर की जगह पर, ये जो मीटर आएगा ना, मिली की जगह पे तो मैंने -3 लिख दिया और मीटर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 10^+9 नैनोमीटर। बाकी सारी कैलकुलेशन की सिंपल थी और वो कैलकुलेशन से सॉल्व करने से आंसर आ गया 1.4। देख लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.4 में क्या कह रहे हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें आप। तो पहला पार्ट देख लीजिएगा, 1168 मल्टीप्लाई 10^-27, ठीक है जी। इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आप देख लें जब आपको डेसिमल पॉइंट नजर ना आ रहा हो तो इसका मतलब वो आखिर में है, फर्स्ट 9 डिजिट के पास आपने लेकर जाना है, बीच वाले डिजिट आपने काउंट कर लेने हैं। 1.168 बीच में डिजिट 3 थे, 10^ राइट साइड से गए हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, पहले से मौजूद पावर -27 है। 1.168 बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड 3 -27 करेंगे, आंसर आ जाएगा -24, ठीक है बेटा। इसमें मैं अब टफ वाला मैं कर रहा हूँ, बाकी आप करेंगे, जो मसला होगा फिर वो डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको सी पार्ट करवा देता हूँ, सी पार्ट देख ले। सी पार्ट में गया 725,
मल्टीप्लाई 10^-5 माइनस 5 किलोग्राम, वही बात आ जाएगी बेटा, आप किलो को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ लाना पड़ेगा, जहाँ ना हो एंड पे होता है, लाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। तो ये 7.25 करेंगे मल्टीप्लाई 10^10 दो डिजिट थे तो पॉजिटिव 2 राइट साइड से थे इसलिए पॉजिटिव मिल गया, माइनस 5 पहले का है और किलो पॉजिटिव का 3 होता है। तो अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, आपस में एड अप हो जाएंगी, 2 माइनस 5 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0, और किसी की पे पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, लिहाजा 7.25 ग्राम। आखिरी भी करा देता हूँ, सेकंड वाला फिर आप कर लेंगे, सिंपल सा है। अच्छा अब इसमें देख लेना, लास्ट वाला जरा माइनस वाला इसलिए करवा रहा हूँ आपको, ताकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जरा कंफ्यूज ना हो। 0.02 मल्टीप्लाई 10^-5 माइनस 8, तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है आपने, बीच में दो डिजिट आ रहे हैं, 2.0 मल्टीप्लाई 10^5 माइनस 2, क्योंकि अब की दफ़ा आप बेटा लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, माइनस 8, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 माइनस 8, आंसर आ जाएगा माइनस 10, ठीक है बेटा जी। ये हो गया सवाल। 1.5 बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपको क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो पहली एग्जांपल देख ले जरा 1.5 में, पहला जो न्यूमेरिकल है 6400 किलोमीटर, तो डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पर होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर जाएंगे, बीच के डिजिट गिन लेंगे, राइट साइड से आने की वजह से प्लस 3 होगा और ये साथ में किलोमीटर, ये बेटा सॉल्व हो गया। इसी तरह से सॉल्व करना है, मैं लास्ट करवा देता हूँ, बाकी दो आपके असाइनमेंट हो गए। डी पार्ट देख लें इसका, सेकेंड जिना डे, तो बेटा एक डे में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 8640 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, लास्ट में होएगा और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाएंगे, 8.64 मल्टीप्लाई बीच के डिजिट आप काउंट करेंगे, 10^5 पॉजिटिव 4, क्योंकि आप राइट साइड से आ रहे हैं इसलिए पॉजिटिव 4 आ जाएगा सेकंड में। तो ये बेटा मैंने करवा दिए हैं, जो पार्ट मैंने छुड़वाए हैं वो आपका होमवर्क है, होम असाइनमेंट है, आप उसे सॉल्व करेंगे, जहां बात समझ नहीं आएगी आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें।